भाजपा नेता थ्रैश्ड पंचायत नामांकन के बाद बंगाल में कार पर हमला हुआ, वीडियो वायरल चला जाता है। पश्चिम बंगाल में लगभग 60,000 पंचायत सीटों के लिए नामांकन जमा करने के लिए छिटपुट हिंसा हुई है, जिसके लिए 1 मई, 3 और 5 मई को मतदान किया जाएगा। भाजपा नेता पंचायत नामांकन के हिंसा से शिकायत करने गए थे। उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर मैदान में फेंक दिया गया। विपक्ष का दावा है कि टीएमसी अपने उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रही है। हमलावर हेलमेट पहने हुए या उनके चेहरे को कवर करने वाले स्कार्फ के साथ भाजपा नेता के वाहन के पीछे की विंडशील्ड को तोड़ दिया, वह जमीन पर फेंक दिया गया था और जब वह बाहर कदम रखा थ्रैश्ड। भाजपा का दावा है कि हमले को तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल में लगभग 60,000 पंचायत सीटों के लिए नामांकन जमा करने के लिए छिटपुट हिंसा देखी गई है, जिसके लिए 1, 3 और 5 मई को मतदान किया जाएगा। भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का दावा है कि तृणमूल अपने उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रहा है। हालांकि तृणमूल कहते हैं कि विपक्ष ने नामांकन के रूप में कई नामांकन दायर किए हैं। दलों अदालत में राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयोग के पास गए हैं। आज मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर जिलों से अब तक हिंसा की सूचना मिली है। बीरभूम जिले के नालहाटी में पुलिस ने कथित भाजपा समर्थकों को पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद परेशान होने के बाद पत्थरों से उन्हें गोली मारने के लिए पुलिस को आंसू और रबड़ की गोली मारनी पड़ी। ईंट बेटिंग में कम से कम 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस बीच कोलकाता में भाजपा नेताओं को माया रोड पर गांधी प्रतिमा पर एक धरना पर है। सीपीएम राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में बैठे प्रदर्शन पर है।